हमारा चैनल देखने वाले सभी साथियों से अनुरोध है, आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और प्रेज लॉर्ड। इवन्ने के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हिम्मत सिंह और आज एक खास मेहमान से हम आपको मिलाना चाहते हैं। और सदाब सिद्दीकी जी हैं बॉम्बे से। बॉम्बे बोलेंगे तो अभी थोड़ा मुश्किल है, वो मुंबई से हैं। और जब बॉम्बे था तभी ये पैदा हो गई थी और आज बड़े इनके कई सामाजिक सरोकार हैं, इनके लगातार सामाजिक कामों में। और ख़ास करके जो महिला प्रश्न है, स्त्री का पक्ष है, वो बड़े दृढ़ता के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ उठाती रही हैं। पहले तो आपका स्वागत है सदाब जी, सॉरी मैं हाँ जी सदाब सिद्दीकी जी। पहले तो थोड़ा अपने बारे में, अभी तक का जो सफर रहा बॉम्बे से दिल्ली भी अभी नया नया अभी किया है आपने, तो वो जो सफर है आपका, जो सामाजिक सफर है, यह व्यक्ति कैसे एक बनता जाता है, वो एक सामाजिक कर्मों में जुड़ता जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अपना परिचय पहले थोड़ा दे देंगे, उसके बाद हम और सवाल करते हैं। नमस्कार हिम्मत जी, शुक्रिया हमें स्टूडियो में बुलाने के लिए यूएनए की तरफ से। मैं चूँकि सोशल वर्क की अगर बात करें, मैं चूँकि शादाब सिद्दीकी मेरा नाम है और बॉम्बे में ही पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी बढ़ी। और सोशल कामों की जो बात करें तो वो सारी सीख मुझे अपने घर से ही मिली है। मेरे वालिद साहब जो है वो मैं समझती हूँ कि बिना नाम के बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे। हम जब घरों में रहते थे, वो एक उनका एक गैरेज था, मैकेनिक थे वो। तो जब घर में मैं छोटी ही थी तो मैंने अपने घरों में बहुत भीड़ भाड़ देखी वर्कर्स के साथ में। घर में हमारे बीमार भी रहा करते थे, यानी ऐसी बीमारी जिनको छुआछूत यानी ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, टीबी जैसे मरीज भी हमारे यहाँ थे। तो वहां से ही एक प्रेरणा मिली, तो वहीं से एक सफर समझ लीजिए ये घर से जारी हो गया सोशल एक्टिविज्म का। और लोगों की मदद करना जहां तक पॉसिबल हो, खुद नहीं कर सकते तो उनको उस जगह तक, उस ठिकाने तक पहुंचाया जा सके जहां से उनकी कोई मदद मिल सके, बस यहीं से हमारा घर से ही सफर शुरू हुआ। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप मुंबई में रहीं, बार बार मेरे मुंह से बॉम्बे निकल रहा है, लेकिन मुंबई में रहे, आपने पढ़ाई लिखाई वहां से की, तो स्कूल के जमाने या कॉलेज के जमाने से ही, जमाने में कॉलेज में या स्कूल में जो फंक्शन होते हैं उसमें भी आप भाग लेती थी या केवल पढ़ाई तक ही नाता रहता था? नहीं, स्कूलिंग में भी तकरीरें करना, भाषण देना, सब 26 जनवरी 15 अगस्त और दूसरे और भी जितने पैट्रियोटिक प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल के अंदर में, उन सारी चीज़ों में कवालियाँ गाना, अच्छा। गाने गाना और ड्रामे, छोटे मोटे जो किरदार है वो भी निभाना, ये सारा मैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ करती रही हूँ। मेरी तालीम ऐसी रही कि मैं कुछ 4th स्टैंडर्ड तक मुंबई में पढ़ी, उसके बाद में फिर राइट्स हो गए थे 84 के तो वापस इंदिरा गांधी के बाद वाला जो भिवंडी में कर्नल राइट था थाने में, जो कि थाने में घर है हमारा मुंबई में, तो वहां से हम शिफ्ट हो गए थे गांव सुल्तानपुर। तो वहां हम शिफ्ट हो गए, 8 साल कंटिन्यू में वही रही, उसके आगे मेरी जो तालीमी सफर रहा वहां से आगे बढ़ा। उसके बाद 92 में मैं फिर वापस बॉम्बे चली गई, मुंबई चली गई। तो इस तरह से मुंबई जाने के बाद में फिर पढ़ाई हुई, फिर मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया। तो एक्टिविटी जो है वो स्कूल कॉलेज से लेके हर जगह मेरी लगातार जारी रही। लेकिन ये जो लिखने पढ़ने का और खास करके जो गजलें हैं या शेर हैं या तमाम जो साहित्यिक विधा है, उसमें कैसे आपका जुड़ा हुआ, मतलब किस तरह से हुआ, कब लिखना शुरू किया आपने? मैंने सबसे पहले गांव में जब मैं पढ़ रही थी तो
उस वक्त बड़ी बड़े दिलचस्प एक वो है किस्सा है कि मैं मेरी कजिन के साथ एडमिशन कराने गई थी। अच्छा। तो उसने मुझे स्कूल के कॉमन रूम में बिठा दिया और वो गई, मैंने उसने कहा कि मैं प्रिंसिपल या ऑफिस में जाकर बात करके आती हूँ, आप यहीं पर रहो। इत्तेफाक ऐसा था कि उस पूरे रूम में उस वक्त मैं तन्हा थी और थोड़ी देर के बाद एक चिड़िया नजर आई। अच्छा। तो मेरी जिंदगी का जो पहला शेर है वो ये है कि मैं तन्हा थी तुम तन्हा थे, तन्हा थी दीवारें, घर मैं ना होती तुम ना होते, तन्हा होते सारे। ये मेरी जिंदगी का पहला शेर है चिड़िया को देखकर। और साहित्य से लगाव या जुड़ाव देखें तो मेरे वालिद साहब भी बहुत शौकिंग थे किताबें पढ़ने के। मेरे घर में लातादाद किताबें रही हैं, मेरी दादी, मेरे चचा, ये मैंने अपने घर में ही ये सारी चीजें, मेरी फूफियां सब किताबें पढ़ने की शौकीन रही हैं। तो लिटरेचर से लेके फिक्शन से लेके अशार या सारी चीजें, खुश्क यानी जो रूखा पीखा सब्जेक्ट होता है, पढ़ने का शौक वहीं से शुरू हुआ और फिर वहीं से लिखने का भी शौक शुरू हो गया। तो ये इस मेरे कॉमन आपका लिखने पढ़ने का तमाम चीजों का रहा, लेकिन हमने जहां तक आपके बारे में जाना समझा है तो स्त्री पक्ष को आप बड़े मजबूती से सामने लेके आते हैं, आपके लेखन में भी है, आपके जो सामाजिक काम है तो उसकी दशा दिशा कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप वहाँ मैंने वो ये पक्ष कैसे आपको ज्यादा अपील करता है? ये ऐसा रहा कि चूंकि जब आप फील्ड में निकलते हैं किसी काम के लिए या सोशली, तो आस पड़ोस में लोगों को समझ में आता है कि कुछ पढ़ी लिखी है, किसी को अपना पेपर लाकर दिखा देना, किसी कोई किसी का खत आया है या कुछ भी डाक खाने से आया है या क्या कहते हैं आपका लॉयर की तरफ से आया है, जिस तरह भी, तो वो लाकर दिखाते थे तो उनको बताना पड़ता था कि ऐसा। अच्छा, ये था कि मैंने फार्मेसी किया है, लोगों को ये था कि ये तो डॉक्टर है। अच्छा। तो बहुत सारे लोग अपने वो पूरे पेपर्स और एक्सरे सारे कागजात मुझे लाके रिपोर्ट्स और टेस्ट दिखाते थे, तो वहाँ सारी चीजों बताना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करना है, ऐसे नहीं, यहाँ आप जाइए। तो ये जो गाइडलाइंस मैं जितनी मुझे नॉलेज थी वो मैं समाज को दे रही थी। तो क्या होता है कि औरतों से ज्यादा कंफर्ट फील करती है बात करने के लिए, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताना, इस तरह से एक सामाजिक काम मेरा शुरू होता गया और वो मैं लोगों के काम आती क्या गई, बल्कि उन्होंने अपने इस लाइक मुझे समझा कि शायद मैं उनके किसी काम आ सकूं। जी जी। लेकिन एक जो आपका लेखन है उसमें वो धार मैं कहता हूँ, एक महिला पक्ष तो है ही, उस महिला पक्ष को ओन करना कि हाँ है तो है, और एक बड़े जो बदलाव का जो के साथ भी खड़ी होती है, केवल वही नहीं है कि एक तरफा एक ही पक्ष को आप रखती हैं, वो पक्ष तो है लेकिन साथ में जो बदलाव के जो की बयार जो चल रही होती है उसके साथ भी आप दिखाई देते हैं, ये दोनों का नॉर्मली जब खास करके महिलावादी जो एक नजरिया होता है वो एक तरह से गायब कर देता है, केवल वो इसी नजरिए से देखता है कि मैं स्त्री हूँ और स्त्री के जरिए से ही देखा जाए, ये किया जाए वो किया जाए, लेकिन एक स्त्री एक समाज की एक रचना भी है, समाज का हिस्सा भी है, तो इसका कैसे तालमेल करती हैं? मैं इसके लिए आपको बताती हूँ कि मैं अपने आप को जो पाती हूँ, मेरे अंदर जितनी भी खूबियाँ हैं वो सब कुछ मुझे अडॉप्ट हुई है मेरे वालिद साहब से। मैं उनके बारे में थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगी कि उन्होंने, हम पांच बहनें हैं और एक भाई है। एक भाई। अच्छा। जी। मैं सबसे बड़ी हूँ। उन्होंने बेटी और बेटे में कभी फर्क नहीं किया। उनका ये ख्वाब था कि मेरी पांचों बेटियां ब्लैक बेल्ट हों। अच्छा। ब्लैक बेल्ट और एडमिशन भी कराया उन्होंने। अच्छा। और कराटे मैंने भी थोड़ा सा सीखा हुआ है। तो उनका ऐसा था कि बेटियां जो है मेरी वो पढ़ाई के साथ साथ दीगर दूसरी चीजों में भी सक्षम रहें, कि कोई ऐसा वक्त अगर उन पर आन पड़ता है तो वो सेल्फ डिफेंस करें। अपना सेल्फ डिफेंस पे बहुत फोकस थे वो। तो वहां से ये प्रेरणा मुझे वहीं से आती है। उसके साथ साथ मैंने कभी भी उनको किसी भी तरह से किसी भी इंसान में भेदभाव करते नहीं देखा।
मतलब वो छोटा बड़ा अमीर गरीब और किसी भी तरह का कोई भेदभाव करते नहीं पाया। तो वो सारी चीजें समाज जो है, समाज को भी उनसे जब हम बातें करते थे, वो हमें जब कहीं लेकर, उनकी एक आदत थी कि अगर मैं उनके साथ कहीं जा रही हूँ तो वो एक एक बिल्डिंग्स और एक एक चीजों के बारे में मुझे बताते हुए जाते थे कि ये ऐसी है, इसका इतिहास ये है, इसका इस तरह से यहाँ से ये शुरुआत हुई। तो वो दिलचस्पियाँ वो कहीं ना कहीं उसमें समाज में भी बढ़ती रही, और एक नागरिक होने के नाते मैं दिल भी हसास रखती हूँ, तो किसी भी विषय पर अगर कोई नाइंसाफी कहीं भी होती है तो उसके लिए आवाज उठाना ये मेरा फर्ज बनता है। एक चीज और है कि आप, हाँ, पिताजी के बारे में तो थोड़ा जो आपने देखा, माँ भी हैं आपके साथ, उनके बारे में भी थोड़ी सी आप मम्मी बताएं। जी, अम्मी मेरी बहुत ही स्वीट हैं, और जैसे एक सीधी सादी घरेलू खातून होती हैं, बिल्कुल वैसी ही है, और एकदम सादा और मासूम है, बहुत ही मासूम है। लेकिन एक चीज, वो पढ़ाई नहीं कर पाई स्कूल जाकर, तो हम लोगों के पांचों बहनों के पढ़ाई में कहीं ना कहीं माँ का भी हाथ है। वो चाहती थी कि उनकी बेटियां खूब पढ़ लिख लें, और माशाल्लाह हम पांचों बहनों ने आला तालीम हासिल की, और कोई बहन ऐसी नहीं है जो ग्रेजुएट नहीं है, जिनको मौका मिला उन्होंने टेक्निकल और मेडिकल फील्ड भी किया। मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो इंजीनियर भी है और डॉक्टर की भी पढ़ाई कर रही है। तो इसमें, इस फील्ड में पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं अम्मी का मेरे बहुत बड़ा रोल रहा है। चलिए, तो सदाब जी, और हम बात करेंगे आपसे लगातार, और हमें उम्मीद है कि यूएनए का जो स्टूडियो है, एक हिस्सा अभी संभालेंगे उसको आने वाले समय में, और खास करके जो महिला के नजरिए से भी तमाम चीजों को देखने का जो मसला है, वो शायद हम नहीं देख पाएंगे जो आप देख पा रही होंगी। तो इस, अभी तो हम यही समाप्त करते हैं, और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है यूएनए यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई कमेंट हो तो वो भी आप हमको लगातार अवगत कराते रहिए। इसी के साथ मैं अभी ख़त्म करता हूँ, और सदाब जी, आपका ढेर सारी शुभकामनाएँ कि आप का जो आंदोलन है या जो सोच रहे हैं वो पूरे समाज में फैले और उस दिशा में आप बढ़ें। शुक्रिया।